हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सब के साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। दोस्तों, जिन लोगों को मीशो के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप प्रोडक्ट को रीसेल करके अर्न कर सकते हो। घर बैठ के आप ये काम इजिली कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, मीशो पे जो है कोई भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पे ओनली जो है प्रोडक्ट्स के होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इन सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और प्राइस भी मैं साथ में मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ इनकी स्क्रीनशॉट एंड प्राइस स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। दोस्तों, कोड से अगर आपको कभी ना मिले प्रोडक्ट, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो रहता है उसका स्क्रीनशॉट लेके भी वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मीशो में साइन अप नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें। उससे क्या होगा, आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे जो है 30% से लेकर 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड डील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल। आज के हॉल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट कुर्ता सेट्स, और कुछ जो है फेस्टिवल के हिसाब से मैंने कुर्ता सेट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लोअर प्राइस से। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कॉटन का काफ्तान कुर्ता, एंड ये 400 रुपीज के अंडर में मैंने परचेस करा है। एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है एक काफ्तान कुर्ता है कॉटन फैब्रिक का, और इसमें जो साइज मैंने ली है वो मैंने ली है एक्सेल साइज। तो ये जो कुर्ता है ये बहुत ही प्यारा सा काफ्तान कुर्ता आएगा, कुर्ता कम के आप इसको ट्यूनिक भी कह सकते हो। आप इसको लेगिंग्स के साथ में पहन सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको जीन्स के साथ में भी पहन सकते हो। बहुत ही स्मार्ट लगता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है डोरी की डिटेलिंग करी हुई है, जिसमें आप जो है इसको खींच के जो है टाइट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो और इसका नॉट भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन का काफ्तान कुर्ता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद में। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, आप इसको धो पहनो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही सही चीज़ है, डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा ये वाला एक काफ्तान कुर्ता रहेगा। आप इसको एज ए कुर्ता भी पहन सकते हो, टॉप भी पहन सकते हो, टॉप की तरह भी, मतलब जैसे जीन्स अगर आपने डाल लिया तो ये ट्यूनिक हो गया, अगर लेगिंग्स पहन लिया तो कुर्ता हो गया, तो वैसे आप पहन सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, लॉन्ग है, दोनों ही हाइट वालों पे बहुत स्मार्ट लगेगा ये वाला कुर्ता। तो फर्स्ट मैंने ये वाला लिया है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है दोस्तों, ये मैंने बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट लिया था, और ये जो कुर्ता है कॉटन का कुर्ता है, एंड इसके साथ में कॉटन का इसका बलून पैंट आता है, मतलब इसके जो सलवार है वो बलून पैंट है। तो ये मैंने ऑर्डर करा था एक्सेल साइज में, बट मुझे रिसीव हुआ है एम साइज में, इसीलिए इसका लुकबुक मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मुझे एक्सट्रीमली बहुत ही छोटी साइज में रिसीव हुआ है। मैंने एक्सेल साइज ऑर्डर करा था बट ये एम साइज में है। तो ओवरऑल मैं इसकी क्वालिटी जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही प्यारा सा कॉटन का प्रिंटेड कुर्ता रहेगा, स्ट्रेट कुर्ता आएगा, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सही कुर्ता सेट है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए अगर आपको कोई अच्छा सा कुर्ता सेट चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। एंड ये जो है 550 रुपीज़ के अंडर में मैंने परचेस करा है, एग्जैक्ट प्राइस आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। तो ये प्रिंटेड रहेगा फ्रंट साइड एंड बैक साइड से, और बहुत ही प्यारा येलो कलर है, बहुत ही स्वीट कलर है ये। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला ड्रेस, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड अभी शायद ये आउट ऑफ स्टॉक में है, जब स्टॉक में आए तब आप ले सकते हो उसको। और इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बलून पैंट आएगा, तो ये कॉटन का ही बलून पैंट है, यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, और बहुत ही सही ये बलून पैंट है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये क्रिस क्रॉस वाला ये पैटर्न बनाया गया है, वाइट कलर की ये ट्राउजर है, और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ये येलो कलर का ये फैब्रिक लगाया गया है, तो ये बलून पैंट रहेगा, जैसे पटियाला सलवार होता है ना उस तरीके का। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस था, बट मुझे मेरी साइज में रिसीव नहीं हुआ, इसलिए मैं ट्राई ऑन नहीं शेयर कर पा रही। बट अदरवाइज अगर आप परचेस करना चाहते हो, जब भी ये स्टॉक में आए आप इसको परचेस कर सकते हो, डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है ये। अब मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ ये फुल कुर्ता सेट आएगा, और ये आप किसी भी फेस्टिवल के लिए, तीज के लिए या फिर राखी के लिए परचेस कर सकते हो। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है, रेयॉन के फैब्रिक का कुर्ता है ये। सो यहाँ पे ये जो है टर्कोइज ग्रीन कलर का कुर्ता आएगा, जिसमें यहाँ पे नेक पे आप देख सकते हो ये प्यारा सा थ्रेड का, और सॉरी ये थ्रेड का नहीं, एक्चुअली गोटा का काम किया हुआ है यहाँ पे, प्यारा सा नेक पे गोटा का काम किया हुआ है। और ग्रीन कुर्ती में यहाँ पे ये पिंक कलर की पाइपिंग करी हुई है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स मिलेगी। स्लीव्स में भी आप देख सकते हो कितना भारी ये बॉर्डर लगाया गया है, गोटा एंड गोल्डन स्टिचिंग वगैरह करके बॉर्डर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है आप देख सकते हो। तो ये स्लीव्स में आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, पूरी जो कुर्ती रहेगी प्लेन रहेगी, सॉलिड प्लेन कुर्ती आएगी।
नीचे में इसका ये हैवी हैवी बॉर्डर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे साइड में पिंक कलर की ये पाइपिंग दी गई है। तो ग्रीन एंड पिंक कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत सुंदर लगता है। आप इसको तीज के लिए, राखी के लिए परचेस कर सकते हो। बहुत ही प्यारा ये रेयॉन के फैब्रिक में ड्रेस है। मैंने जो है इसको एक्सेल साइज में परचेस करा है और ये मुझे हल्का सा लूज हो रहा है, तो एक साइज बड़ा ही आप परचेस कर लेना। तो उससे क्या होगा, वॉश वगैरह करने के बाद में अगर ये थर्ड स्ट्रिंग भी होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिटिंग बिल्कुल खराब नहीं होगी आपकी। तो ये जो कुर्ता है कुछ इस टाइप का रहेगा, और इसके साथ में आता है इसका ये वाला ट्राउजर जो कि प्लेन रेयॉन का लूज फिट ट्राउजर रहेगा। काफी अच्छा इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है क्वालिटी, मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक दिया हुआ है, और ये जो है जिन लोगों को ये शिकायत होती है ना कि ट्राउजर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो पहनने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं, आप बराबर चल भी नहीं पाते हो या फिर फट जाते हैं, तो इससे वो दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड यहाँ पे नीचे में व्हाइट कलर के पॉम पॉम दिए गए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये इसका ट्राउजर रहेगा, और इसके साथ में आता है इसका ये बांधनी का पर्पल कलर में या फिर आप कह सकते हो मैजेंडा कलर में दुपट्टा आएगा। तो इसमें जो है लटकन लगाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ लटकन मिलेगी आपको, एंड पूरे में ये बांधनी का प्रिंट करा हुआ है। बहुत ही ब्राइट कलर का दुपट्टा है, ग्रीन कलर के साथ में बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बैठता है ये, आप देख सकते हो। तो आप इसको राखी के लिए, तीज के लिए भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा सूट है ये, तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आ रहा है तो गो फॉर दिस, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये वाला सूट। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने लिया है ये भी ग्रीन कलर में है, बट इसका ग्रीन कलर डिफरेंट है, तो ये जो है डार्क ग्रीन कलर में आएगा। तो ये भी रेयॉन की कुर्ती आएगी, और एक्सेल साइज में मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेड का काम किया हुआ है इस कुर्ते में, नेक पे जो है थ्रेड का काम आपको मिलेगा, एंड पूरी कुर्ती पे ये जो है स्ट्राइप्स वाली डिज़ाइन बनाई गई है पूरी कुर्ती में, फ्रंट साइड में है एंड बैक साइड में आप देख सकते हो स्ट्राइप्स वाला ये पैटर्न बनाया गया है। 3/4 यहाँ पे स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आपको ये स्ट्राइप्स वाला पैटर्न मिल जाता है। फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है, एक्सेल साइज में बिल्कुल भी लूज नहीं रहता, फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, और क्वालिटी भी जो है बहुत ही अच्छी। अगर आप किसी भी फेस्टिवल के लिए परचेज करना चाहते हो, गो फॉर दिस, काफ़ी आपको पसंद आएगी। तो ये इसका कुर्ता रहा, और इसके साथ में आता है इसका ये रेड कलर का प्लेन ट्राउजर। ट्राउजर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक दिया गया है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, और जो इसका मतलब पहनने के बाद में जो फिटिंग है ना वो भी बहुत सही है, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला ट्राउजर। और इसके साथ में जो आता है वो इसका शिफॉन का दुपट्टा। सो यहाँ पे ये है इसका दुपट्टा जिसमें हल्का सा गोटा का काम किया हुआ है, और 2 मीटर का ये शिफॉन का दुपट्टा आएगा। आप देख सकते हो इसमें पूरे में कुछ इस टाइप का गोटा का काम रहेगा। तो बहुत ही लाइट वेटेड सा प्यारा सा ये दुपट्टा है रेड कलर का, और बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद में। राखी के लिए, तीज के लिए आप परचेस कर सकते हो ये वाला सूट भी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं आपके साथ में बात करूंगी दूसरे सूट की, जो कि कुर्ता एंड शरारा का ये वाला पेयर रहेगा। तो ये वाला जो कुर्ता सेट है दोस्तों, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो ट्रांसपेरेंट तो ये है ही, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी करी हुई है ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो है थ्रेड का जो काम किया हुआ है ये बहुत सुंदर है, गोल्डन थ्रेड से काम किया हुआ है ये भी बहुत सुंदर है। वर्क जो इस पे करा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फैब्रिक की क्वालिटी। एक तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इनर के बिना तो आप पहन नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो है आप अपनी साइज से एक साइज बड़ा परचेस कर ले। अगर आपका जो एल साइज अगर आपको आता है तो आप एक्सएल साइज परचेस करें, क्योंकि एल साइज में आपको फिटिंग नहीं मिलेगी बराबर। और अगर आपकी जो साइज है एम है तो आप एल पर, तो अगर आपकी साइज जो है एम और एल के बीच में है तो आप जो है इस ड्रेस में एल साइज सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये एक साइज छोटा चलता है, तो आप इसमें अपनी साइज से एक साइज बड़ा परचेस कर लेना। तो यहाँ पे आपको जो काम मिलेगा ना, वर्क जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फ्रंट स्लीव ये कुर्ता रहेगा, स्ट्रेट कुर्ता रहेगा, बट इसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। फैब्रिक जो है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगी पर्सनली कि आप इस ड्रेस को मत परचेस करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आई विल रेकमेंड कि आप इसको ना परचेस करें। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इसका जो शरारा है ना वो बहुत अच्छा है, इसका शरारा आपको मैं दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुर्ती का जो फैब्रिक है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इलास्टिक आएगा वेस्ट में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शरारा का फ्लेयर कितना अच्छा है, गोटा का काम किया हुआ है। पहनने पर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही कम्फर्टेबल होता है, खूबसूरत लगता है, बट इसकी कुर्ती कोई काम की नहीं है मेरे हिसाब से। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन था, मुझे आपके साथ में ऑनेस्ट रहना है, इसलिए मैं आपके साथ में जो भी मेरे को लग रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब
ना ही परचेस करें तो अच्छा है। तो ये जो स्काई ब्लू ड्रेस है ना, ये मैंने मीशो पे कई बार देखा है, मैंने इसको 2-3 बार ऑर्डर भी करा था, तो 2-3 बार ये कैंसिल हो गया था, शायद उनके पास में स्टॉक में नहीं था या कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बट इस बार मुझे डिलीवर हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था दिखने में। तो ये जो है कुर्ता एंड शरारा का सेट है, तो यहाँ पे ये रेयन की स्काई ब्लू कलर की कुर्ती आती है। और सबसे पहले मैं बताऊँ, ये वाली जो कुर्ती है इसका फैब्रिक बहुत ही थिन है, और ये वाली कुर्ती जितना इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वर्थ नहीं है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा थिन है। और सेकेंड चीज़ है, ये जो नेक आप देख रहे हो ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप एक नेक आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है, जो कि हर कोई नहीं पहनता है। मैं पर्सनली भी इतना ज़्यादा डीप नेक फ्रंट साइड से बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, आप देख सकते हो। सेकेंड चीज़ है, इसका फैब्रिक बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप अगर इसके नीचे इनर नहीं डाल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल है, इसलिए इसका जो ट्राई ऑन है वो भी मैंने शेयर नहीं किया है। इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप आ जाता है और मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, और जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो आप उसको ना ही पहनो तो बेटर रहता है। बट इसका जो जो भी ड्रेस का रिव्यू है वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको जो मैंने परचेस करा है वो मैंने लिया है एक्सेल साइज में, रेयन के फैब्रिक का ये शॉर्ट अनारकली कुर्ता आएगा, पैटर्न बहुत अच्छा है, फैब्रिक की क्वालिटी अगर अच्छी होती तो ये बहुत ही अच्छा ड्रेस होता। तो यहाँ पे 3/4 आपको स्लीव्स मिलेगा जिसमें यहाँ पे गोटा का काम किया हुआ है, और नीचे में भी आपको यहाँ पे पूरे में आपको गोटा का काम मिल रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिडिल में मिलेगा ये वाला डोरी का डिटेलिंग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, पहनने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला कुर्ता सेट। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तब भी अच्छा लगेगा, अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तब भी सुंदर लगेगा ये वाला ड्रेस, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेक पहनते हो फ्रंट साइड से तो आप इसको ज़रूर परचेस कर सकते हो। और इसका जो फैब्रिक है थिन है तो आपको इनर डालना पड़ेगा। तो उसके बाद में आता है इसका शरारा, शरारा काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का शरारा आएगा, और कॉटन एंड रेयन ब्लेंड है कुर्ती, जो है बिल्कुल भी कॉटन ब्लेंड नहीं है, पूरी पूरी रेयन की है, और जो इसका शरारा है उसमें कॉटन फैब्रिक ब्लेंड है। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे गोटा का काम मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा शरारा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, एंड जो काम किया हुआ है ना गोटा का वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसमें। तो शरारा काफ़ी अच्छा है बट कुर्ता बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। एंड इसके बाद में बारी आती है इसके दुपट्टे की, तो ये जो कॉटन का दुपट्टा है ये पूरा 2 मीटर का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दुपट्टा है, तो अगर आपकी हाइट लंबी है ना तो ये दुपट्टा आपको बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा, बट अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको चल जाएगा, बट लंबी हाइट वालों को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस पूरे दुपट्टे में बहुत सारा कलर ऐड करा हुआ है, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, बहुत सारे कलर्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो गोटा का काम भी किया हुआ है, दुपट्टा बहुत ही प्यारा बनाया गया है, कॉटन का दुपट्टा है। सबसे बड़ी बात है कि कुर्ती रेयन की है, इसका जो शरारा है वो कॉटन रेयन ब्लेंड है, एंड जो दुपट्टा है वो कॉटन का दिया है, और यहाँ पे गोटे का काम किया हुआ है, काम बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है, बट लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी दी गई है, तो लंबी हाइट वालों को ये बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा दुपट्टा, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा दुपट्टा है। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है, कुर्ती का नेक बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, हो सकता है अगर आप में से किसी को कंफर्टेबल लगे या फिर आपके पास कोई आइडिया हो इसको पहनने का, अंदर कोई अलग सा टॉप वगैरह डाल के, तो आप पहन सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बट मेरे ओपिनियन से मैं कहूँगी मुझे नहीं पसंद आया, अगर आप में से किसी को पसंद आ रहा है तो कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है सेट के बारे में। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने लिया है ये ब्लू कलर का कुर्ता सेट है, जो कि कॉटन फैब्रिक का रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का कुर्ता आएगा, प्रिंटेड कुर्ता रहेगा, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे ये वाला कुर्ता सेट में। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट रहेगा ना, 3/4 स्लीव्स आएगी इसमें, और नेक पे आप देख सकते हो यहाँ पे काम किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का हल्का सा, और साइड में गोटा का काम किया हुआ है, एंड पूरी कुर्ती में आपको प्रिंट मिलेगा, फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको जो है प्रिंट मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसकी कॉटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको ये वाला कुर्ता सेट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। इसके साथ में आता है इसका ये वाला प्लाजो, इसके प्लाजो में बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, बट ये इतना फ्लेयर देता है कि जितना लिमिट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना फ्लेयर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेस्ट में इलास्टिक बैक साइड में, और पूरे प्लाजो में जो है प्लेन रहेगा ये, नीचे में यहाँ पे हल्का गोटा का काम रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुर्ती का प्रिंट का फैब्रिक है उसको अटैच किया गया है यहाँ पे। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हो ये वाला कुर्ता सेट तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ में आता है इसका दुपट्टा, जो कि ब्लू एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये जो दुपट्टा है दोस्तों 2 मीटर का है, तो आपको दुपट्टा बिल्कुल छोटा नहीं पड़ेगा, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। कॉटन का सूट है पूरा ये, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसका जो प्लाजो रहेगा ना ये रेयन की फैब्रिक का है, बट जो कुर्ता है वो कॉटन का है, दुपट्टा जो है वो कॉटन का दिया गया है, तो ओवरऑल काफ़ी सही क्वालिटी है। तो दोस्तों आज के हॉल में जो है कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, और जो मुझे ऑनेस्टली लगा वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको कौन सा वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। टिल देन दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।